मास्टर प्लान ऑब्लिक दस प्लान आपका तो 2021 का भी पास नहीं है। लॉ पब्लिक डोमेन में कहा दिखाओ ना, वो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है किसकी, सरकार की नहीं है वो, लोगों के चीज की चीज है, आप उसे दिखाते क्यों नहीं है? आप एनसीआर एक्ट पर डिस्कशन क्यों नहीं करते? कौन मना करता है आपसे? आपने 13,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण यहां किया। नोएडा में अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया और विरोध प्रदर्शन किया। प्राधिकरण के मुख्य गेट पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। बैठ जाएं, भैया धरना चलेगा जब तक कि चेयरमैन साहब, डीसीओ और सीओ साहब हमारे बीच में नहीं आ जाते। साथियों, हम लोगों की 40 साल पुरानी आबादी जिसको हमारे दादा। किसानों का कहना है कि जमीन की जांच होने तक प्रशासन तोड़फोड़ के लिए नोटिस जारी न करे। बता दें कि बीते कुछ महीनों में नोएडा प्राधिकरण ने वर्षों पुरानी आबादी तोड़ने के लिए अधिक संख्या में नोटिस जारी किए थे। सिस्टम नहीं बना पाए हम, ये प्राधिकरण क्या डेवलप करेगा आप अंदाजा लगा सकते हो। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक का कानून बैन है, क्या आप लोगों की तरफ से कभी प्रयास हुआ है कि उसको बंद किया जाए? नहीं हुआ। कलेक्टर महोदय उसके लिए नहीं कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बंद करो ना भाई, आप हमको दोष देते हो। किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के गेट पर ही धरना प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि इससे पहले सभी किसानों ने शहर भर में घूमते हुए कार रैली भी निकाली। अब जैसे जैसे जनरेशन पड़ी है वैसे वैसे वो एनक्रोचमेंट हुआ है, इसमें कोई दोराय नहीं। वो लीगल है तो गांव का व्यक्ति भी लीगल है, अगर वो लीगल है तो गांव का व्यक्ति भी लीगल है, अगर प्राधिकरण जिम्मे देगा तो गांव के व्यक्ति का हक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत की जमीन ग्रामीण ग्राम पंचायत की होती है, किसी के सरकार की नहीं होती। किसी सरकार की होती सुनिए, वो इसलिए होती है गरीब बस के कुछ इंटरेशन के लिए, कुछ बरात घर के लिए, कुछ कूड़ी घोड़ा के लिए, कुछ ढोर जेंगड़े के लिए, ये लोग सब बसते थे हमारे खेतों में से तो कटती हो। राजन राय, अमर उजाला, टीवी नोएडा। उसको बार्गेनेबल परमिशन दी जाए, आप बेहतर जानते हो मेरे से यूपी सरकार का एक्ट है, क्यों हमको मालिकाना हक नहीं मिलता? आपने पौंडी चड्डा की जमीन ली वापिस, पैसे दिए नहीं दिए उसने वापिस ली? श्रीमान हमारी तो 1.25 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए गज की जमीन एक्वायर है। हम लोगों के प्रति एक भावना दुर्भावना बनी है कि माओवादी ले लिए बहुत लोगों ने मोटे पैसे का। सभी मेरे जो साथी खड़े हैं सब लोग बैठ जाएं, भैया धरना चलेगा जब तक कि चेयरमैन साहब, डीसीओ और सीओ साहब हमारे बीच में नहीं आ जाते। साथियों, हम लोगों की 40 साल पुरानी आबादी जिसको हमारे दादा ने बनाया, जिसको हमारे पिताजी ने बनाया।